दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएफ रीडिंग क्लासेस पे। आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। इससे पहले हम टॉपिक में हम वीडियो में पढ़ चुके हैं स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालना। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देखिए। आइए हम देखते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। उससे पहले हम कुछ नंबर्स के स्क्वायर लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला नंबर है 1, 1 का स्क्वायर निकालेंगे हमें 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। आप लोग यहां तक के नंबर के जो स्क्वायर याद होंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार देख लीजिए। 1 का हमें मिलता है, जैसे हमने इसे एक चीज निकाली है, 1 का हमें मिलता है 1 लास्ट में, 9 का करेंगे तब 1 मिलेगा। तो इससे हम एक फिगर बना लेते हैं यहां पर। फिर कोई नंबर हमारी 1 है, क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 1 है तो हमें आंसर की यूनिट प्लेस पे या तो 1 मिलेगा या 9 मिलेगा। क्लियर है? इसी तरीके से नेक्स्ट है 4। अगर हम क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे हमारे 4 है तो हमें आंसर में या तो 2 मिलेगा और या 8 मिलेगा। क्लियर? 9 नेक्स्ट, 9 हमें मिलेगा 3 और 7 पे। इस तरह से हमें 6 मिलेगा 4 और 6 पे। 5 मिलेगा हमें 5 पे। ये हमें कंक्लूजन मिल गया यहां से। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया होगा कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा डबल डिजिट में, बट हमें सिंगल डिजिट में जाना है तो हमें 6 मिलेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 6 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 1। इतना हमें मिल गया। इससे हमने फिगर ड्रॉ किया। अब आइए इस फिगर के अनुसार कुछ एग्जाम्पल पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। परफेक्ट स्क्वायर अगर 1444 हमारा जैसे परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, तभी हमारा स्क्वायर पॉसिबल होगा यहां पर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हमने कैसे बताया, हमें यूनिट प्लेस पे क्वेश्चन के क्या मिला, 4। 4 से हमने यहां पर देखा हमें कौन से आंसर मिलेंगे यूनिट प्लेस पे, 2 और 8। हमने यहां पर 2 लिख लिया एक प्लेस पे और एक प्लेस पे 8 लिख दिया। क्लियर है? इतना ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए मजेदार ट्रिक है, एक बार आप देखिए और आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज होते हैं, हमें बहुत इजिली आंसर निकालने पड़ते हैं इन सब चीजों के। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला। उसके बाद हमें दाहिनी तरफ से स्क्वायर रूट निकालना है, तो दाहिनी तरफ से 2 नंबर को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा 14। 14 से पहले कोई ऐसी परफेक्ट स्क्वायर होती है तो होती है 9, जो हमारी 3 की स्क्वायर होती है। हम 3 दोनों जगह पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा 2 आंसर आ गया, 32 होगा या तो इसका आंसर या 38 होगा। उसके लिए हम दो चीज देखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। ठीक है, अब जो 14 है हमारा वो 9 और 16 के बीच में वेरी करता है, इसलिए हम ये 14 हमारा 16 के पास में है 9 के पास में, हम ये देखेंगे अगला स्टेप होगा हमारा। तो 14 हमारा 16 के पास में, यानी बड़ी वाली वैल्यू के पास में, इसलिए हमारा आंसर बड़ी वाली वैल्यू हो गया, यानी कि हमारा आंसर 38 हो गया इसका 1444 का। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक नंबर लेते हैं हम 5675। ठीक है, अब हमें 5 के लास्ट में तो 5 मिलता है तो हम ये तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, यहां 5 मिल गया,
दो नंबर फिर काट के 56 से पहले किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है 49 जो हमारा 7 का स्क्वायर होता है, तो हम 7 रख देंगे, यहां पर आंसर हो गया हमारा। इसमें हमें डबल नहीं करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें 5 में सिर्फ 5 ही मिलता है। ठीक है, एक और देखने देखते हैं हम। ठीक है, दो नंबर काट लेंगे, 1 का हमें लिख देंगे या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, 34 से पहले किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो होता है 25 जो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 हम यहाँ पर दोनों जगह लिख देंगे। ठीक है, अब 34 जो है हमारा वो 25 और 36 दो वैल्यू के बीच में वेरी करता है, तो लेकिन 34 हमारा 36 के पास में है, 25 के पास में है, तो हम देखेंगे हमारा 34 36 के पास में है, हमारी बड़ी वाली वैल्यू के पास में है, इसलिए हमारा आंसर भी बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, बस इतना ही सा क्वेश्चन है, इतने सा आंसर सॉल्व होते हैं सब। ठीक, आई होप आप सबको यहाँ का वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले कि मैं दो पार्ट डाल चुका हूँ स्क्वायर और क्यूब के, वो भी आप जरूर देखिएगा एक बार, और इस वीडियो के बारे में आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बाकी वीडियो पसंद आया मेरा तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।